और एलएसी पर तनातनी के बीच चीन ने एक बार फिर नापाक चाल चली है। लद्दाख बॉर्डर पर ड्रैगन ने अपने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। बीजिंग चाहे जितनी बार शांति का राग अलाप ले, दरअसल इसकी आड़ में उसका मकसद दिल्ली को धोखा देना है। जिनपिंग की रेड आर्मी ने दुनिया को धोखा देने के लिए 8 बार भारत के साथ सैन्य स्तर की बातचीत भी की, राजनयिक स्तर पर भी तकरार खत्म करने का ड्रामा किया। चूंकि चीन का असल मकसद विवाद को सुलझाना नहीं बल्कि विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाना है, इसीलिए इस बार पीएलए की एयरफोर्स ने लद्दाख बॉर्डर पर ऐसा लड़ाकू जहाज उतारा है जिसको रडार भी लोकेट नहीं कर सकेगा। यानी ड्रैगन ने धोखा देने के लिए फुल प्रूफ तैयारी कर ली है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की भी चीनी सेना की हरकतों पर पैनी नजर है। उधर एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपना दम दिखाया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है और ना ही हथियारों की होड़ की नुमाइश, बल्कि हिंदुस्तान के दुश्मनों को जवाब है जो भारत पर बुरी नजर रखते हैं। संदेश साफ कि जो भी हिंद पर नापाक नजर रखेगा उसका अंजाम काफी भयानक होगा। डीआरडीओ ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद इसकी रेंज 400 किलोमीटर हो गई है। ये जल, जमीन और हवा से भी दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सीधे अपने टारगेट को मार गिराया। इसका टारगेट दूसरे द्वीप पर था। इसी महीने भारत ने बालासोर में क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच भारत खुद को लगातार मजबूत करने में जुटा है। इस बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आर्मी चीफ 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो असम, मणिपुर और नागालैंड का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले आर्मी चीफ अधिकारियों के साथ तेजपुर में बने आर्मी के गजराज कॉर्प्स हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्हें पूर्वोत्तर के सुरक्षा हालातों के बारे में बताया गया। सेना अपनी तैयारियों को मजबूत करने में लगी है। सेना प्रमुख का दौरा इसी रणनीति का हिस्सा है। पूर्वोत्तर राज्यों में सालों से उग्रवादी गुट लगातार सक्रिय हैं। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि इन संगठनों को चीन की ओर से पैसा और हथियार मिलते हैं। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।